press the bell icon for all the updates. Bollywood Now is back with another reporter's reaction. Film hai Ayyari. Aaiye jante hain reporters se ki kaisi lagi unhein Neeraj Pandey ki ye film. अच्छी है, मूवी बहुत अच्छी है. थोड़ी लंबी है पिक्चर काफ़ी, और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. पहले समझने में बहुत टाइम लग रहा था कि क्या स्टोरी है एक्चुअली फर्स्ट हाफ, फिर सेकंड हाफ से तो अच्छी पकड़ी. अच्छी लगी मूवी, अच्छी लगी, थोड़ी लेंदी लगी. बहुत अच्छी फिल्म है एज यूजल, नीरज जी की जैसी फिल्में होती है. इट इज़ ईच एंड एवरी लाइक यू कैन से फिल्म इतनी ग्रिपिंग होती है कि आपको एक पल भी ऐसे नहीं लगेगा कि नेक्स्ट क्या हो रहा है. इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली. फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी. फिल्म में जो अय्यारी नाम है इसका एक मतलब है, और फिल्म पूरी फिल्म जो है वो मनोज वाजपेयी के ऊपर है, तो लोगों को फिल्म देखनी चाहिए. स्टार्ट काफ़ी अच्छा था, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट एज एन ऑडियंस हमें बहुत वो अट्रैक्ट करी, लेकिन आई थिंक द एंड वॉज वेरी अब्रप्ट. इट लेफ्ट अस थिंकिंग अबाउट वॉट हैपेंड एंड वाई डिड ही कम बैक एंड वो क्यों वापस आया, और बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें थी बीच बीच में जो हमें लगा कि इफ़ देयर वॉज अ लिटिल मोर डेप्थ टू द स्टोरी एंड हैड इट बीन मोर प्रिसाइज वी वुड हैव बीन मोर इन्वॉल्व्ड इन इट. आई थिंक वो थोड़ा इनकम्प्लीट बिट्स एंड पीसेस में ऐसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो काफ़ी थोड़ा बीच बीच में इनकम्प्लीट लगा. लेकिन ओवरऑल आई वुड से इट्स अ मस्ट फिल्म टू वॉच, एंड आई थिंक यू शुड एटलीस्ट कम एंड विटनेस द एबिलिटीज ऑफ आर फिल्म मेकर्स हु हैव द टैलेंट एंड द एक्टर्स to bring out a story that's brilliant. The entertainment value is little less, but still the film will run. It is outstanding. Thodi si film slow hai. Kai aise cheeze hain, kai aise scenes aap dekhenge film ke andar jo aapko slow lagega film ke andar. Thoda sa fast ho sakta tha. Otherwise I'll say it's a good movie. Aur corruption ko lekar dikhaya gaya hai. Hamari security ko kis tarah se daav mein rakhte hue hamare kitne jo इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे जो हमारे नेता रहते हैं या फिर ऑफिशियल्स रहते हैं वो करप्शन करते हैं, तो करप्शन के बारे में दिखाया गया फिल्म, और ये काफ़ी अच्छी फिल्म मुझे लगी. यह फिल्म अच्छी है, मेरे ख्याल से वन टाइम वॉच है. मैंने जो पहली फिल्में जो थी नीरज पांडे सर की, तो एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा था. लास्ट फिल्म से लेकर जितनी भी फिल्में आई हैं उतनी बढ़िया नहीं लगी मेरे को. परफॉर्मेंस में तो मतलब सब लोगों ने बहुत ही कमाल किया है, बहुत अच्छा काम किया है. मनोज वाजपेयी ने तो मतलब वो बहुत ही एक समर्थ कलाकार हैं, और मतलब उन्होंने तो एकदम दिल जीत लिया. परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी लगी है. परफॉर्मेंस वाइज एवरीथिंग मनोज वाजपेयी इज एज यूजुअल, जैसे पहले भी हमें उन्होंने देखा है उनको फिल्मों में वैसे ही है. सिद्धार्थ मल्होत्रा इज डन अ वेरी फैबुलस रोल, ही इज ग्रेट, ही इज ग्रेट. आई थिंक सो बेस्ट इन परफॉर्मेंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की. हाँ, क्योंकि ये एक तो नीरज पांडे की फिल्म है और ऊपर से मनोज वाजपेयी, तो ये कॉम्बिनेशन हमने पहले भी देखा है, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा और जो रकुल प्रीत है उनकी पहली बार एक केमिस्ट्री बनी है, तो दोनों फ्रेश लगते हैं. लेकिन जो पूरी फिल्म है डायरेक्शन और मनोज वाजपेयी के ऊपर है, तो लोगों को देखने चाहिए कि किस तरह से क्या क्या हमारी मिलिट्री हमको पता नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें करती है. आई थिंक of course we have the legends Nasiruddin Shah and Manoj Bajpai. Siddharth Malhotra has really done an amazing job. There's a new girl and that's amazing to have people come on board, legends come on board for be it small parts, but given their value and their credibility and their aura to a movie like this, and that's brilliant. I think film ka script jo hai wo real hero hai. Wednesday ka format pakda hai fir se Neeraj Pandey ne, usme माइंड प्लेइंग जो होता है ना, माइंड गेम्स उसने यूज़ किया है. मनोज वाजपेयी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और नसीरुद्दीन शाह, ये तीनों का माइंड गेम्स है. तीनों ऑनेस्ट हैं, तीनों चाहते हैं कि हमारी कंट्री आगे बढ़े, मगर हमारी जो मिलिट्री है वो किस तरह से अंदर उनका भ्रष्टाचारी है, किस तरह से 4 times कॉस्ट ज़्यादा बता के हम लोग एक्वायर करते हैं आर्म्स को. अब फिर राइफल डील का हम लोगों को अभी आंख खुलने वाला है थोड़ी दिन में, ये सच है या झूठ है मालूम पड़ेगा. तो किस तरह से हमारे आम आदमी जो 12% टैक्स पेयर्स है उनके पैसे से हम लोग आर्म्स ले रहे हैं, ये पीछे में बताया हुआ है 12%, और बाकी लोग जो 88% जो है उन लोग पैसा छुपा के जी रहे हैं, और 12% जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उसमें भ्रष्टाचारी हो रहा है. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थॉट है, ये एक्स्ट्राऑर्डनरी फिल्म है और फिल्म बहुत चलने वाली है, और आम आदमी को ये ऐसी फिल्में देखनी चाहिए और इंडिया को आगे बढ़ानी चाहिए. इसे थोड़ा सीखना चाहिए पिक्चर को, पिक्चर से,
कि परफॉर्मेंस तीनों के एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। मनोज वाजपेयी इज़ लिटिल अप बिकॉज वो एक्टर तो बढ़िया है। सुरेंद्र मल्होत्रा को उन लोग ने इसका जूनियर बताया मगर उसने भी बहुत अच्छा किया। और कौन विलन है कौन हीरो है ये एंड में मालूम पड़ता है। और पिक्चर बहुत अच्छी है और पिक्चर चलने वाली है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस एज यूजुअल मनोज वाजपेयी जी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उनकी टाइमिंग, कॉमिक करना, सीरियस सीन में भी वो जिस तरह से कॉमेडी करते हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। और इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपना एक स्तर, एक स्टेप थोड़ा अपना आगे बढ़ाया है। उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है। परफॉर्मेंस मनोज वाजपेयी के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ वॉज ऑल्सो गुड बट नसीर सर किल्ड इट। बाकी मनोज वाजपेयी वॉज अमेजिंग। बेस्ट पार्ट फिल्म का था नसीरुद्दीन शाह, मतलब 10 मिनट के लिए आए और खेल खत्म कर गए, वो सीन था। 3.5 ये आपको कल पढ़ना पड़ेगा नव भारत टाइम्स में। थैंक यू। 3.5 आई विल गिव। मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा फिल्म को। 3.5 मैं आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4। 1 mark आई विल गिव लेस बिकॉज़ म्यूजिक इज नॉट सो गुड। आउट ऑफ 5 आई विल गिव 3 स्टार। 2.5 तो ये थे रिपोर्टर्स के रिएक्शंस। आप जाइए फिल्म देखिए और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए कि अय्यारी कैसी लगी आपको। विद कैमरा पर्सन दीपक, दिस इज नेहा अंतानी फॉर बॉलीवुड नाउ।